फिलहाल नागपुर में शीत सत्र शुरू हो गया है, जहां विभिन्न संगठनों के भांति अब युवा कांग्रेस भी 8 दिसंबर को विधान भवन का घेराव करने वाली है, जहां युवाओं के बुनियादी सवालों को लेकर ये घेराव किया जाएगा, ऐसी जानकारी नेतागणों द्वारा दी गई। नमस्कार, कल 8 दिसंबर को महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा एक विधानसभा घेराव किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे युवाओं का प्रश्न लेके हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। इसमें हमारी पहली मांग भी यही है कि जो 3.5 लाख जो सरकारी नौकरी खाली है उसको जल्द से जल्द भर ली जाए, और मेरा यही आह्वान है जिस युवाओं को नौकरी चाहिए सरकारी नौकरी वो कल इस मोर्चे में शामिल हो। साथ ही साथ में जिस प्रकार से जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी जो एग्जामिनेशन फीस जो लिए जाती है, उसके नाम की जो एग्जामिनेशन फीस जो लिए जाती है उसको माफ करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए पैसे खर्चे नहीं होते और उसको फ्री में अगर दिए तो बच्चों को अच्छा होगा। साथ ही साथ में ओबीसी एसटी एससी और साथ ही साथ में माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप, आप माइनॉरिटी की तो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई लेकिन ओबीसी एसटी एसटी की स्कॉलरशिप आप दीजिए और माइनॉरिटी की भी स्कॉलरशिप आप शुरू कीजिए। ऐसी हम ये सारे मुद्दे लेके कल हम विधानसभा घेराव अंजुमन कॉलेज से ठीक 11 बजे शुरू करने वाले हैं।